आज की जो मीटिंग यहाँ हुई है, 30 जथेबंदियों की मीटिंग इकट्ठ में फैसला हो गया है। दिल्ली की कल मीटिंग जो बुलाई गई है 13 तारीख को, वो हम जाएंगे किसान और अपनी बात वहाँ जाके रखेंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने वायदा कर भी मिनिस्टर की लेवल नहीं बैठाए थे। आज की चिट्ठी भेजकर बार बताया है भी दो मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे साथ मीटिंग करेंगे। हम अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं और टेबल से कभी भी जथेबंदी भागी नहीं। बात करने में टेबल पर ही बात मुक्ति है, पर सरकार बहुत लेट हो रही है। 45 दिन हो गए कम से कम ये संघर्ष लड़ते को। सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए इसको संघर्ष को कभी सियासी रूप दे रही है और क्या कभी कोई और बात कर रही है। 26 तारीख को जो दिल्ली मार्च करना है, वो पूरे भारत में जथेबंदी करेंगी। कम से कम 300 या 350 जथेबंदी उसमें हिस्सा लेंगी और पूरा दिल्ली का घेराव कर दिल्ली को घेरा जाएगा। उसमें पंजाब की तरफ से हजारों ट्रैक्टर और लाखों किसान वहां पहुंचकर अपनी इस संघर्ष में साथ देंगे। जहां भी रोका जाएगा दिल्ली जाम किया जाएगा। जहां जहां से भारत में कहां से भी किसानों की आ चुकी है, घर से निकलकर जहां से भी रोका जाएगा वहां ही सड़कें जाम की जाएंगी। दिवाली हम मशाल जलाकर जहां जहां हमारी एजिटेशन चल रही है वहां मशाल मार्च कर हम दिवाली मनाएंगे। कल की बात 18 तारीख को किसान भवन में, अगर कल भी बाद में नहीं सफल होती तो 18 तारीख को स्पेशल मीटिंग यहां रखी गई है, उसका बाद फैसला किया जाएगा अगली रणनीति क्या होगी। ये रेल आंदोलन जैसे चल रहा है, पहले हम लाइनों पर बैठे थे, फिर प्लेटफॉर्म में, अब पार्कों में है। ये ज्यों दे तो माल रोके हुए हैं, वो ज्यों दे तो जो टूल प्लाजा ओपन किए हैं वैसे दे वैसे चल रहा रहेगा और चलता रहेगा। मशाल जला कर जाएंगे जी। ये तो बहुत गंभीर मामला है, कोई किसान खुशी से अपनी पराली नहीं जलाता, ये मजबूरी में जला रहे हैं। उसको अंदर खपत करने में कम से कम 6,000 से 7,000 खर्चा आता है। सरकारों ने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जथेबंदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में केस जीता हुआ है। 6/11/2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भी कम से कम 100 रुपये क्विंटल या 2500 रुपये एकड़ दिया जाए। किसान ने अभी तक किसी किसान को कोई सहायता नहीं दी, तो जब तक सहायता नहीं देंगे जब तक ये काम रहेगा। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जब भी ये लॉ बनाया था उसमें बताया गया था 2.5 एकड़ के नॉर्म्स रखे गए थे, फ्री में उसकी पराली का इंतजाम हो। 5 एकड़ वाले को 5,000 दो, उसके ऊपर 15,000 रुपया उसके पराली का संभालने का दो। अगर वो किसान इतना लाभ लेकर फिर जलाएगा, फिर उसमें जुर्माना रखा था। ये जुर्माने की रकम अपनी याद कर रहे हैं, जो सरकार ने अपनी मदद देनी थी वो अपनी याद नहीं कर रहे। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।